Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So, bachcho, learn English with story reading ka jo humne naya session series start kiya hua hai. In this today's series, I am going to teach you, we are going to learn that Shri Ratan Tata Sir ka remarkable life journey. This article I have read in one newspaper, so I liked it too much and I hope ye aapko bhi pasand aayega. Ratan Naval Tata Sir, who is one of India's most cherished industrialists, who transformed a trade group into India's largest and most influential conglomerate, and राइट नाउ ही इज नो मोर विद अस, बट उनकी जो मेमोरीज हमारे साथ है, सो लेट्स लर्न इट. सो दैट रतन टाटा वॉज स्कूल्ड एट कैंपियन एंड द कैथेड्रियल एंड जॉन कॉनन बोथ इन बॉम्बे, वेयर ही स्पेंड द लास्ट थ्री ऑफ हिज स्कूलिंग ईयर्स. यानी कि उनके स्कूल के जो लास्ट के 3 ईयर्स थे उन्होंने यहाँ पे बिताए हैं. बॉम्बे में उनका स्कूलिंग कम्प्लीट हुआ है. एट कॉर्नेल ही स्टडीड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. सो बच्चों, आर्किटेक्चर और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है, दिस आर द पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड. सो सिविल इंजीनियरिंग का ये पार्ट होता है, तो इसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. रतन टाटा वॉज charmed. अभी देखिएगा, आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द हार्ड वर्ड्स. रतन टाटा वॉज charmed बाय कैलिफोर्निया एंड दैट वेस्ट कोस्ट लाइफ स्टाइल. ही वॉज रेडी टू सेटल डाउन इन लॉस एंजलिस. सो वो लॉस एंजलिस में बसने का ख्याल उनके मन में था. वहाँ पे जो जो भी लाइफस्टाइल थी, जो भी एटमॉस्फेयर था, उससे वो चार्म्ड हो गए थे, यानी कि प्रभावित हो गए थे, और वहीं पे उनको बसने का उनका मन था. बट लेकिन ही वॉज फोर्स टू रिटर्न टू इंडिया. लेकिन उन्हें इंडिया बुलाया गया व्हेन हिज ग्रैंड मदर यानी कि उनकी जो दादी थी लेडी नवजबाई फेल ईल एंड कॉल्ड फॉर हिम. जब वे बहुत बीमार हो गए तो रतन टाटा जी को बुलाया गया वापस इंडिया में. बैक इन इंडिया ने, या इसका मतलब होता है कि इंडिया में वापस आने के बाद, रतन टाटा हैड अ जॉब ऑफर फ्रॉम आईबीएम एंड स्टार्टेड वर्किंग विद द टाटा इंडस्ट्रीज. अभी देखिएगा, इंडिया में आने के बाद उनको आईबीएम से जॉब ऑफर आया. आईबीएम इज अ बिग इंडस्ट्री. एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विद द टाटा इंडस्ट्रीज. उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज के साथ काम करना शुरू किया. ही बिल्ट हिज करियर फ्रॉम द ग्राउंड अप, वर्कड विथ डिफरेंट कंपनीज विद इन द टाटा ग्रुप एंड इवेंचुअली बिकेम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम नेल्को बोलते हैं, इन 1971. यानी कि उन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की, यानी कि बेसिक से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया. एंड वहाँ से वो क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए नेल्को कंपनी के, इन 1971. इट टुक हिम 9 ईयर्स टू मूव फ्रॉम एन अप्रेंटिस टू अ डायरेक्टर, बट ही नेवर शाइड अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड. देखिएगा, फ्रॉम ग्राउंड यानी कि अप्रेंटिस का मतलब होता है कि जो आप शुरुआत करते हैं अपने करियर की, यानी कि प्रशिक्षण लेना, इसे हम कहते हैं प्रशिक्षित कहते हैं. सो प्रशिक्षण लेने से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने 9 साल में डायरेक्टर के इस पोस्ट पे वो आ गए. सो अपने काम से वे कभी भी हिचकिचाए नहीं. उन्होंने जो भी काम उनको मिला वो काम किया और उसमें वो हायर पोस्ट पे आ गए. सो अंडर हिज स्टूवर्डशिप. अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे एक हार्ड वर्ड आया है, दैट इज स्टूवर्डशिप. स्टूवर्डशिप का मतलब मैं आपको बताती हूँ, उसका मतलब होता है नेतृत्व. यानी कि उनके नेतृत्व में, उनके अंडर जो भी बाकी के लोग थे वहाँ पे, ठीक है, तो अंडर हिज स्टूवर्डशिप द, अभी यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्ड है, मैं आपको ठीक तरीके से बताती हूँ, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट यानी क्या बच्चों, इसका मतलब होता है कॉन्ग्लोमेरेट का, दैट इज समूह, ठीक है, यानी कि ग्रुप. अंडर हिज स्टूवर्डशिप, उनके नेतृत्व में द कॉन्ग्लोमेरेट एम्बार्क्ड ऑन अ मैसिव एक्सपांशन ड्राइव, स्नैपिंग आइकॉनिक ब्रिटिश एसेट्स इंक्लूडिंग स्टील मेकर कोरस एंड लग्जरी कार मेकर जैगवर लैंड रोवर. यानी कि ये जो बड़ी बड़ी ब्रिटिश
की कंपनियां जो है, सो उन्होंने क्या किया, उनके श्री रतन टाटा सर जी जो थे उनके नेतृत्व के अंदर उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जिन्होंने इस फील्ड में सफलता हासिल की। इट्स 2.5 डजन लिस्टेड फर्म्स, 2.5 डजन यानी कि 2.5 डजन से भी ज्यादा जो उनकी लिस्टेड फर्म्स है, नाउ मेक कॉफी एंड कार्स, जो कि कॉफी भी बनाते हैं, कार्स भी बनाते हैं, साल्ट एंड सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, स्टील एंड पावर में भी काम करते हैं, रन एयरलाइंस उनकी एयरलाइंस भी है, एंड इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट सुपर ऐप, और भारत का जो फर्स्ट सुपर ऐप है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सो इतनी जो है प्रभावशाली जो एक पर्सनैलिटी है जो हमारे रतन टाटा सर जी थे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लर्न द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रतन टाटा ऑफन पोस्टेड पिक्चर्स पोजिंग विथ हिज फ्लरी फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। यानी कि जब तक सरजी थे तब आपने देखा कि वो हर समय अपने दोस्तों के साथ जो पिक्चर्स है वो पोस्ट किया करते थे सोशल मीडिया पे। टाटा सन्स ग्लोबल हेडक्वार्टर्स एट बॉम्बे हाउस इज होम टू सेवरल स्ट्रेज हु आर लुक्ड आफ्टर बाय द ग्रुप। यानी कि जो स्ट्रे डॉग्स थे, जो रास्ते पे भटकते हुए जो कुत्ते थे, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे क्या किया, बॉम्बे में एक हेडक्वार्टर बनाया कि जहाँ पे वो उनकी केयर किया करते थे। रतन टाटा ऑल्सो फाउंड हिज असिस्टेंट शांतनु नायडू। शांतनु नायडू आप सभी को पता होगे, वो बहुत ही चर्चा में रहे हैं, उनके बहुत ही करीबी माने गए हैं, बहुत ही करीब से उनके साथ उन्होंने काम किया है। रतन टाटा ऑल्सो फाउंड हिज असिस्टेंट शांतनु थ्रू देयर म्यूचुअल लव फॉर डॉग्स। यानी कि जो डॉग्स थे उनके प्रति जो उनका प्रेम था, उसी से संबंधित उनकी पहचान शंतनु जी से हो गई। नायडू कनेक्टेड विद टाटा व्हेन ही सॉट फंडिंग फॉर हिज फर्स्ट स्टार्टअप। जब रतन टाटा सर है, इनकी मुलाकात नायडू यानी कि शंतनु नायडू से कब हुई, जब शंतनु नायडू उनके पास आए थे उनका फर्स्ट स्टार्टअप के लिए, एंड उसका नाम था मोटोपॉज, और सोशल एंटरप्राइज दैट प्रोवाइडेड रिफ्लेक्टिव कॉलर्स फॉर स्ट्रीट डॉग्स। यानी कि जो रास्ते पे भटकते हुए कुत्ते हैं, ठीक है, डॉग्स है, उनके लिए मोटोपॉज करके उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था शंतनु नायडू ने, एंड इन दिस रिगार्ड उनकी उनसे पहचान हुई थी। वाइडली नोन फॉर हिज फिलेंथ्रोपिस्ट। अभी देखिएगा यहाँ पे एक हार्डवर्ड आया है, इसका मतलब क्या है बच्चों, लेट मी टेल यू। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि समाज सेवी, आप इसको क्या कहेंगे, समाज सेवी, यानी कि समाज के लिए कुछ तो करने करने वाले जो पर्सन होते हैं, तो ये इसका मीनिंग होता है। वाइडली नोन फॉर हिज फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज रतन टाटा डोनेटेड रुपीज 500 करोड़ व्हेन द वर्ल्ड वॉज फाइटिंग द डेडली पैंडमिक। पैंडमिक यानी कि भयंकर जो बीमारी आई थी, अ मूव दैट अर्न हिम न्यूमरस प्राइजेस। जब कोविड-19 का बीमारी आया था, दैट टाइम उन्होंने 500 करोड़ का जो था वो डोनेशन दिया था, एंड उसके बदले में मूव दैट अर्न्ड हिम न्यूमरस प्रेजेस। न्यूमरस यानी कि ढेर सारी प्रेजेस यानी प्रशंसाएं, बहुत सारे उनको आशीर्वाद लोगों से मिले थे, बहुत सारी प्रशंसा उनकी हुई थी। रतन टाटा ऑल्सो डोनेटेड 50 मिलियन USD टू हिज अल्मा मैटर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फॉर बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटिव सेंटर। जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है वहां पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव सेंटर की बिल्डिंग के काम के लिए 50 मिलियन USD क्या किए थे, डोनेट किए थे। इन 2008 2008 में ही वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो हमारे कंट्री का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी कि नागरिकत्व का जो भारत का सबसे ऊंचे में सेकेंड हाईएस्ट जो ऑनर है, ऑनर का मतलब होता है कि किसी को सम्मानित करना, यानी कि सम्मान आप इसे कहेंगे, सम्मान चिन्ह, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया 2008 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ही वॉज ऑल्सो अ रेसिपेंट ऑफ पद्म भूषण इन 2000। रेसिपेंट का मतलब होता है कि स्वीकृत करने वाले, जिन्हें उन्हें 2000 में वापस से पद्म भूषण अवार्ड मिला। ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम सेवरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड ओवरसीज। ओवरसीज यानी कि बाहर देश, इसका मतलब होता है कि अदर कंट्रीज, भारत में और भारत की जो यूनिवर्सिटीज है और भारत के बाहर जो यूनिवर्सिटीज है उन्हें वहाँ पे ऑनररी डॉक्टरेट। अभी देखिए आप बोलोगे यहाँ पे एच आया है, तो यहाँ पे एच हमेशा साइलेंट रहता है, सो यू हैव टू प्रोनाउंस इट दैट
ऑनररी ऑनररी डॉक्टरेट यानी कि डॉक्टरेट की जो डिग्री है, जो सम्मान चिन्ह है, वो उन्हें भारत में भी कई यूनिवर्सिटीज में मिला और भारत देश के बाहर भी मिला। रतन टाटा नोन फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड विजन। सो बच्चे यहाँ पे वन मोर टाइम देर इज न्यू वर्ड दैट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट यानी कि कुशल, अपने काम में क्या होना, कुशल होना। रतन टाटा नोन फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप, लीडरशिप यानी नेतृत्व, वो उनके कुशल नेतृत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स यानी कि जो नैतिकता उनके काम में थी वो बहुत ही मजबूती से वहाँ पे काम करते थे। एंड विजन, विजन यानी कि दूरदर्शकता, यानी कि आगे का सोचकर वो अपना नियोजन किया करते थे। रतन टाटा स्टूड आउट एज अ प्रोमिनेंट बिजनेस मोगुल एंड फिलंथ्रोपिस्ट हुज सक्सेस स्टोरी प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड द इंडियाज इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारे वर्ड सीखने के लिए मिलने वाले हैं। सो प्रोमिनेंट का मतलब होता है दैट इज बहुत ही अच्छे लाजवाब बिजनेस मोगुल। मोगुल का मतलब क्या है बच्चों, देखिए MOGUL, मोगुल का मतलब होता है दैट इज ही इज एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन हु पजेस अ ग्रेट पावर एंड वेल्थ, की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, बहुत ही ज़्यादा उनके पास अधिकार है, बहुत ही ज़्यादा उनके पास वेल्थ है, संपत्ति है। सो रतन टाटा स्टूड आउट एज अ प्रोमिनेंट बिजनेस मोगुल एंड फिलंथ्रोपिस्ट। अभी फिलंथ्रोपिस्ट का तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया, फिलंथ्रोपिस्ट का मीनिंग होता है समाज सेवी यानी समाज में अच्छा कार्य करने वाले। हुज सक्सेस स्टोरी प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली का मतलब होता है दैट इज गहराई से इम्पैक्टेड द इंडियाज इकोनॉमी। इनके कार्य ने भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको गहराई से क्या किया था, इम्पैक्टेड किया था, यानी कि अच्छा एक प्रभाव अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था पे रतन टाटा सर जी के कार्य से हुआ था। सो रतन टाटाज लेगेसी, LEGACY, सो लेगेसी का मतलब होता है विरासत। रतन टाटाज लेगेसी इज नॉट जस्ट वन ऑफ टावरिंग बिजनेस अचीवमेंट्स बट डीपली रूटेड इन द एथोस ऑफ पुटिंग इंडिया एंड इंडियंस फर्स्ट। देखिएगा उन्होंने अपनी जो विरासत है ना कि सिर्फ बिजनेस आगे बढ़ाने में उन्होंने कार्य किया, लेकिन उन्होंने जो फर्स्ट उनका एथोस था यानी कि फर्स्ट उनका जो हम बोलते हैं ना नैतिक कर्तव्य उन्होंने रखा दैट इज इंडिया एंड इंडियंस फर्स्ट, भारत और भारत के लोग, उनके बारे में उन्होंने सबसे पहले सोचा। अ रिवर्ड फिगर इन इंडिया, रतन टाटाज अनपैरल लेगेसी इज मल्टीफेसेटेड। सो बच्चों देखिएगा कि REVERED, रेवर्ड का मतलब होता है दैट इज सम्मानित पर्सन। अ रेवर्ड फिगर इन इंडिया, रतन टाटाज अनपैरल्ड, UNPARALLED, इसका मतलब होता है कि अद्वितीय, यानी कि भारत की, हमारे भारत के सम्मानित, एक अद्वितीय जो लेगेसी विरासत जो थी वो रतन टाटा सर जी के पास थी। एंड ही इज मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है बहुआयामी, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी जो एक उनका नेतृत्व गुण था यानी कि उनकी जो बिजनेस माइंडसेट था, द पर्सन हु इज, सो उन्होंने वहाँ पे सिद्ध किया था कि मिस्टर रतन टाटा सर जी ही इज द वन एंड ओनली जेम ऑफ इंडिया। मैं तो बोल सकती हूँ कि उनसे इतने लोग प्रभावित हो चुके हैं, अभी भी हमारे सभी के दिलों में वे बसते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी वे हमारे साथ नहीं है बट उनके जो कार्य है, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है, जो भी उन्होंने लोगों के लिए किया है, दैट इज ही रतन नवल टाटा इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट चेरिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हु ट्रांसफॉर्म अ ट्रेड ग्रुप इनटू इंडियाज लार्जेस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। एंड ही इज नो मोर विथ अस, बट उनके ये जो कार्य हैं, जो उनका एक पर्सनालिटी का जो ट्रेट है वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। एंड यस वी लव यू सो मच सर। सो आज का ये सेशन हम इधर ही एंड करते हैं। आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। देर आर सो मेनी हार्ड वर्ड्स विच वी लर्नड फ्रॉम दिस सेशन, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। सो आप जब इंग्लिश का बोलने का प्रयास करोगे तो ये शब्द जरूर यूज करना, जैसे कि आपको इन शब्द का मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो इट विल डेफिनेटली बूस्ट यूअर इंग्लिश नॉलेज। एंड आई होप यू लाइक दिस लेसन, यू लाइक दिस सेशन। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।